कितना टाइम लगेगा जी? हमारा खाना आ गया है। यार यार क्या क्या है यार, कितने आइटम इसमें यार। अरे यार सब्जी एक आज देखिए, इधर दोपहर का टाइम हो गया है और ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा है। इतना मेरे मना करने के बावजूद भी मैडम जी बात मेरा नहीं मान रही हैं। इतने सारे कपड़े लेके बैठ गई हैं और म्यूजिक चल रहा है इनका धमाकेदार, अपना म्यूजिक सुनते हुए काम को कर रही हैं। तो गाइस मैंने इनको बोला कि मत करो, लेकिन ये मान नहीं रही हैं। फिर भी मैंने इनका बहुत हेल्प करा है काम करने में, जितना हो सका। आधा साफ़ सफाई हम लोग लगे हुए हैं सुबह से, क्योंकि एनिवर्सरी आने वाला। इधर मौसम भी देखिए कितना धूप है, और हरियाली तो है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इधर अंदर भी देखिए फर्श वगैरह साफ़ हो गया है, बस दीवार वगैरह साफ़ करना बाकी है। इसलिए हम नहीं हटा रहे हैं ना, क्योंकि अभी हटाए तो कहाँ रखेंगे। तो देखिए इधर डब्बा इधर साइड में रख दिए, इसमें पानी भरते हैं, ताज़ा पानी भर के रख लेते हैं तो नहाने के काम आ जाता है। और देखिए हमारा ड्यूटी का पैंट है, 4 दिन से टांगा था तो बोल लाओ भाई धुल देते हैं हम। गाइस सबसे अच्छी बात, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और गाना बराबर इनका चल रहा है, काम हो रहा है। तो गाइस हम लोगों ने अपना किचन वगैरह और इधर फ्लोर वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया, बस यही बचा हुआ है, इसको अभी साफ़ करेंगे भी ना, अभी निकाल देंगे तो रख जाएगा। इस जमीन दीवार पे अटका हुआ तो अटका हुआ है। आप लोगों ने देखा मैडम ढेर सारे कपड़े लेके बैठ गई हैं, और मैंने भिगा दिया था तो बोली चलो आप भिगा दो, मैं थोड़ा सा धो लूँगी। फिर ठीक है चलो मिल बांट के काम कर लेते हैं, अच्छा रहता है। तो अभी भी देखिए दोस्तों ये इधर अपना कपड़े धो ही रही हैं, तो हम भी हेल्प करा रहे हैं जहाँ जितना हो सकता है उसको। मैं पूरा अपना एफर्ट लगा देता हूँ काम करने में, और मिल के तो हमने इधर बर्तन वगैरह, इन्होंने बर्तन धो दिया और मैंने इसमें जाली में लगा दिया। गैस चूल्हा एकदम सब साफ़ हो गया है, हम लोग चाय वगैरह सब पी लिए, नाश्ता कर लिए हम। अभी हम लोग को मार्केट भी जाना है, क्योंकि मम्मी मम्मी आएंगी तो बिखरा रहेगा घर, गंदा रहेगा, अच्छा ही लगेगा। तो मम्मी भी सोचेंगे कि हमारी बहू क्या करती है, तो उनको पता है कि हमारी बहू कितना काम करती है मम्मी को। तो भाई चलते हैं थोड़ा इधर, फ्रिज वगैरह इस पर सामान रखा है, इसको भी थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि गंदगी पता है। हमारा जो फ्लोर है ना, थर्ड फ्लोर है, कोने का मकान है, इसलिए धूल मिट्टी बहुत आता रहता है। तो गाइस चलते हैं लेके, अरे थोड़ा सा साफ सफाई और कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। कितना टाइम लगेगा जी? हमारा ना लैट्रिन और बाथरूम सेपरेट है, दोनों एक ही में है, तो आप लोग बैठ कर मत करिए कि भैया आप लैट्रिन दिखा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पता है हमारे नाक पे, पता नहीं कुछ ना एक हफ्ते बाद कुछ ना कुछ नाक पे हो जाता है यार, लाल लाल गर्मी से हमको लग रहा है हो रहा है। इतना ठंडा पानी और खीरा वगैरह खाते हैं फिर भी हो जा रहा है। तो चलते हैं तो ऐसे साफ सफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो गाइस उधर आप लोगों ने देखा मैडम जी कपड़े धुल रही हैं, तो हम गए इधर चलते हैं थोड़ा किचन में साफ़ सफाई वगैरह, और क्या बोलते हैं फ्रिज वगैरह साफ़ करते हैं। तो फ्रिज पर बहुत सामान फैला हुआ था आप लोगों ने बोला था, तो हम कहे आज इसे साफ सफाई करके तभी मानेंगे। तो इधर मैं लपट गया हूँ अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है, आवाज़ ऊपर डाल दिया है, क्योंकि कंटिन्यू करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो हम कहे इसीलिए चलो आज ऐसी वीडियो बना लेते हैं, आज तो फ्रिज एकदम चमका के मानेंगे गुरु। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे ना, तो आज फ्रिज एकदम चमक जाएगा। आज मुझे भी अच्छा लगेगा कि घर सब अब साफ सफाई हो जाएगा, मम्मी भी आ रही हैं घर से, तो बहुत जल्दी ही ये सब करके ख़त्म करके और सारा काम करना है। तो गाइस देखो इधर नहा के आ गई हैं। क्या जी नहा ली? तो आते ही अपना ये ब्लॉग डाल ली दोस्तों, इनका ब्लॉग आएगा कटहल का कोफ्ता वाला, अभी ये पब्लिक करेंगी। तो अब आ गया ब्लॉग, मेरे नोटिफिकेशन आ गया, चल रहा है म्यूजिक, चल रहा है। तो जस्ट अभी नहा के आए, तो हम भी जाते हैं नहा के आते हैं। मेरा नेक नहीं चल रहा है। अच्छे बताओ पानी ठंडा रहे? गरम पानी गरम आ रहा है, लेकिन ठंडा पानी हम रखे हैं 1 बाल्टी है ठंडा पानी। दोस्तों हमने भी साफ सफाई कर लिया, फ्रिज वगैरह देखा है हम लोगों ने, अब चलते हैं नहा धो के आते हैं। तो भाई साहब आज क्या बनाओगे खाने में? आज सोच रहे हैं दाल चावल बना दो, आज दाल रोटी बनाओ, ठीक है? दाल हाँ, दाल रोटी बनाओ और सब्जी मस्त बनाओ, आलू का भुजिया एकदम मसालेदार वाला, मतलब ऐसे बनाती हो आप। तो थोड़ा सा पहले रेस्ट कर लो, आराम कर लो, नहा धो के कपड़े इतना सारा धुल के आई हो। कपड़ा धोया है, हाँफने लगे हम, बेड से धोते धोते। तो तुमसे तुम बोले बेड से जाने दो, मत धो अभी। तो गाइस आप लोग एक कमेंट मत करना कि भैया आप क्यों धुलवा रहे हो, मैं तो मना करता हूँ मत धुलो, लेकिन इनका जो जिद है ना, अपने जिद के आगे किसी का नहीं सुनती है। तो ठीक है मैं चलता हूँ फटाफट नहा के आता हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे भी अभी ड्यूटी जाना है।
तो गाइस इधर भी मैंने चादर वगैरह सब सही कर दिया, फैला हुआ था। और चलते हैं किचन में, देखते हैं मैडम जी क्या बना रही हैं। कितनी गर्मी सुबह में आप, तो दाल इनका बन गया, चावल भी बन गया, रोटी बना रही हैं। और उधर बातें भी चल रही हैं कि दीदी लोग हैं लाइन पे, जल्दी से बना के आप भी आ जाओ एसी में। बाप रे कितना गर्मी है यार सच में। अभी आलू का भुजिया बना लेंगे, आलू काट के रखा है वो भी बनाओगे। ऐसा करो ना, आलू भुजिया मैं बना देता हूँ, आप रोटी बना के आ जाओ इधर। अगर मुझे रोटी बनानी आता तो मैं सच में रोटी बना लेता। सबसे ज्यादा पसीना रोटी बनाने में ही होता है। वो तो है, क्योंकि सीधा भाप जो मुंह पे आता है ना गरम गरम। चावल भी बन गया ना, चावल गर्मी पता है बहुत बेहिसाब पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ही गर्मी। इसीलिए पिंपल्स निकल रहे हैं चेहरे पे, मेरे भी निकल रहे हैं। की बातें चीते चल रही हैं, बातें चीते चल रही है। एक मिनट जो मैं पूछने किया था आपका पसीना पूछने के लिए, आ जाओ। अरे थोड़ा सा पोंछ देते हैं, राहत मिल जाएगा। अब देखिए इधर, इधर भी पसीना है बहुत। पंखा चला ले क्या थोड़ा सा? नहीं नहीं पंखा मत चला जाने, रोटी टाइट हो जाएगा ना। गाइस मैं पहले से उनके लिए एसी चला दिया ताकि आराम से खाना बना के आए, थोड़ा ठंडा लगे, उनको भी अच्छा लगेगा। और गर्मी सच में बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाँव में, तो मम्मी लोग एकदम परेशान हो गए हैं। चलो खाना बना के आती हैं, फिर खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कैसा खाना बनाई है। दाल चावल एकदम मस्त सादा खाना, उत्तम खाना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। गाइस इतनी गर्मी है ना, मैं हमेशा बनियान में ही रहता हूँ, तो जब ड्यूटी आता हूँ तब शर्ट या टी शर्ट पहन के जाता हूँ, नहीं तो ऐसे ही घर में कौन है यार, क्या करें। तो ठीक है आते हैं खाना लेके, मतलब बन जाएगा, फिर मिलते हैं हम लोगों से। इधर खाने के साथ बना रही है एक खीरे का रायता। उनका जब खाना बनता है ना, छीक वगैरह सब आने लगता है। ये भुजिया, भुजिया, ये आलू की भुजिया देखिए कितना प्यारा टेस्टी लगा दिखने में, एकदम लाल के बना रहता है। दही से, दही में बनाई ना, और क्या दूध में बनता है क्या? अरे हाँ पता है, लेकिन तो कितने लोग दूध में भी बना देते हैं। अच्छा। बन गया ना खाना? कौन है तुम्हारे रेस्टोरेंट में बनता है क्या? नहीं जी हमारे यहाँ रायता ऐसे नहीं बनता, और इससे अच्छा बनता है। और क्या घोर बेइज्जती नहीं जी, अब घर का अलग और रेस्टोरेंट का अलग होता है, हर जगह की रेसिपी अलग होती है। अगर बातें चीते बराबर चल रही है, इससे काम कब हो जाए पता नहीं चलता है ना। हो गया, हो गया काम, सब बन गया। हाँ। चलो गाइस सब खाते हैं, इसमें देखिए सब्जी है, इसमें रोटी है, ये चावल है। चलो निकालो फटाफट, साथ में खाते हैं, आ जाओ। इतना बर्तन धोए फिर इतना बर्तन निकल गया, खाना बनेगा तो निकलेगा ही। चलो आ जाओ जल्दी से लेके, तब तक आ जाओ। हमारा खाना आ गया है, वाह यार क्या क्या है यार, कितने आइटम इसमें यार। अरे यार सब्जी है, दाल है, रायता है, कटहल का कोफ्ता है, चावल है, दाल, बाप इतना सारा खाना। वो कहाँ है? क्या कपड़ा का है? पसीना कपड़ा उसके पीछे है। तो चलो गाइस खा के मिलते हैं, बेड पे पहले कुछ बिछा देते हैं, ऐसे नहीं खाना खाएंगे तो इसको पहले हटा देता हूँ। एक कपड़ा लेते आना बेड पे बिछाने के लिए, प्लास्टिक लेते आना। तो चलो गाइस खा के मिलते हैं हम लोग, खाना बहुत ही टेस्टी है सच में, मेरे मुंह से भी पानी आ रहा है, इतना सजा दे खाना कौन देता है यार। तो गाइस चले मिलते हैं खाना पीना खा के, आप लोग बताइएगा कटहल कोफ्ता कैसा बना है, ये रायता है। A few moments later. तो सो सॉरी गाइस आज के लिए कि आज हम मार्केट जाने वाले थे, लेकिन काम में ऐसा समय बीत गया ना, तो सीधे ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पर्दे वगैरह भी दिए थे लाने के लिए, वो भी लाने थे। तो चलो मैं चल रहा हूँ ड्यूटी, एक मिनट रुक जाओ, किसी का फोन आ रहा है। फोन आ गया था, फोन मैंने कनेक्ट कर लिया, बात कर लिया। क्या कह रही हो आप? मैं बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि मैं आज हम लोगों ने मिलके डांस रिहर्सल किया दोस्तों, जिसमें वो इनके चैनल पे मैंने किया है, तो आप लोग जरूर देखिए ना, देखिएगा। तो हम ब्लॉग को दोस्तों समाप्त करते हैं, मुझे ड्यूटी के लिए लेट भी हो रहा है, तो चलते हैं आप लोग। हाँ, मैं एक बात और आप लोग बताइएगा कि अगर ये सॉन्ग नहीं पसंद है तो हम किसी और सॉन्ग पे रिहर्सल, तो आप तो ब्लॉग में देख के बताएंगे ना, अब इनके तो ब्लॉग में देखिएगा दोस्तों, बताइएगा। मैं वही बोल रही हूँ कि आप मेरे ब्लॉग में देख के जो होगा बताइएगा। तो ठीक है अभी हम ब्लॉग में भी इन करते हैं और चलते हैं ड्यूटी, और जल्द आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बोला था कि मार्केट जाना था, लेकिन काम में ऐसा समय बीत गया, खाते पीते टाइम निकल गया। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली, बाय बाय।